Good morning, students. Today I want to revise the lesson 2, main parts of a computer. Okay? So here the question number 1 is, what are the main parts of a computer? Computer ke jo मुख्य पार्ट्स होते हैं या भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. फर्स्ट is keyboard, then monitor, CPU and mouse. The parts of a parts of our computers are keyboard, monitor, CPU or mouse. Number B, what is the use of the keyboard in a computer? जब हम computer में keyboard लगाते हैं तो किस पर्पस पे लगाते हैं, उसका क्या उपयोग होता है, तो हम देखेंगे कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस. Giving instructions to the computer. Means जो कीबोर्ड का कार्य होता है वो कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में बहुत सारे जानकारियां, इंफॉर्मेशन, या फिर हम उस टाइपिंग के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, इसलिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द मॉनिटर कॉल्ड. जो मॉनिटर का सबसे सामने का भाग होता है या हम जिसको हम देखने के लिए प्रयोग करते हैं वो भाग क्या कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो द आंसर इज the front part of the monitor is called screen. जो मॉनिटर का सामने का जो भाग दिखाई देता है जिसमें हम देखते हैं जो भी कार्य करते हैं कंप्यूटर में, तो उसको हम कहते हैं स्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द माउस दैट यू सी ऑन द फ्लोर ऑफ योर होम लुक सिमिलर टू द कंप्यूटर माउस. जो कुछ आप कहना चाहिए, एक माउस जो होता है जीव वो आपके घरों में पाया जाता है या फिर घरों में कहीं भी घूमते रहते हैं, तो ऐसे उसी प्रकार का क्या
जो कंप्यूटर का माउस है वो ऐसे ही दिखाई देता है, तो आंसर होगा यस। किसी क्योंकि जो कंप्यूटर का माउस है वो भी उसी की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ द माउस। माउस का क्या प्रयोग है, तो हम इसको देखेंगे इसका आंसर। वी यूज इट टू पॉइंट एट द ऑब्जेक्ट्स on the monitor. We use it to point at the objects on the monitor. अगर हम इस माउस का यूज करते हैं तो हम मॉनिटर में सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पॉइंट करने के लिए, या फिर जैसे कि हम कोई फाइल या फोल्डर को ओपन करनी होती है तो हम उसको क्लिक करके या डबल क्लिक करके फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं किस चीज का, माउस का। और इसके अलावा हम देखेंगे अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो गेम खेलने के लिए भी माउस जो होता है बहुत उपयोगी होता है। ओके, सो फॉर द प्ले गेम्स द माउस इज ऑल्सो मोस्ट यूजफुल। So my dear students, today we have revised all the answers of these questions. You have to learn all these answers. You have to write in your copy and learn all these answers of these questions. Okay, my dear students, thank you so much.